हम भी एक मौके का फायदा उठाएंगे। आज के मैचेस खत्म हो चुके हैं तो चलिए नजर डालते हैं आज के चार गेम्स के बाद की ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर, जहां पे एक बार फिर से टीम सोल आई थिंक आज पूरा दिन फर्स्ट पोजीशन अच्छे से इन्होंने मेंटेन करी है, बट नाउ दे आर बीइंग चेस्ड। पीछे आती है गॉडलाइक विद 131 पॉइंट्स, 130 पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और रैंगेटैन तीन चिकन डिनर्स हैं इनके पास 124 अंकों के साथ फोर्थ पोजीशन पर चल रहे हैं। केविन ईस्पोर्ट्स 122 पॉइंट्स फिफ्थ पर है, फर्स्ट टू फिफ्थ के बीच में डिफरेंसेस 17 पॉइंट्स। टीम सोल ने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करी थी, बट उसके बाद जो फॉलो अप गेम्स थे वो उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं गए, बट आज आई थिंक 8-bit ने वो कमान कस लिए। और आउट परफॉर्मर्स ऑफ द डे में विजगॉड हमें नजर आते हैं फ्रॉम ओरांगटान, 10 फिनिशेस, 1883 डैमेज डिश्ड आउट। कल दो दिन और अभी और बचे हैं, उसमें आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी, और रही बात ट्रॉफी की, तो ट्रॉफी बस यहां से वहां तक जाएगी। तो अभी ऐसा था कि इस मैच के पहले कोच बोल रहे थे कि यार तुमने ही यहाँ पे 21 किल्स का रिकॉर्ड सेट किया, तो फिर जोन के पीछे क्यों जा रहे हो, नॉर्मल है तुम मार मार के खेलो। तो हम लोग वो कंपाउंड में बैठ गए, फिर बोले जो आएंगे उसको मारेंगे, फिर कंपाउंड में छोटा पड़ा था तो बोले और स्प्रेड हो जाओ, फिर शोर पे जो बंदे थे उनको मारे, फिर बोले जो आएंगे उनको मारेंगे, फिर जो आया सबको मार देगा और फिर चिकन हो गया। वेल ओके, जो अग्रेशन है विजगॉड आपकी टीम का बहुत फेमस है, क्यों क्या कैसे फैंस वेट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन हमें दिखाई देगी आने वाले दो दिनों में भी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू दिखाई देगी, बिकॉज आपने देखा हम लोग ने तीनों डिनर लिए हमने, और अभी बस ये कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया हमारा इससे, और मतलब और मारेंगे आप, अब देखो बस वही वाला गेम प्ले वापस आएगा। ऑलराइट, सो आई डोंट हैव अ क्वेश्चन कि ये सनग्लासेस कहाँ से लेके आते हैं, बिकॉज जहाँ से भी लेके आते हैं बहुत बढ़िया लेके आते हैं, बट एक चीज जो है वो मैंने नोटिस करा है कि आप हमेशा मैच से पहले, दिस सर्टेन वॉर क्राई ऑफ ओजी दैट आई हैव ऑलवेज विटनेस बिफोर द मैच, कैन वी डू दैट एट द क्लोजिंग ऑफ द डे हियर एज वेल विद यू? ऑलराइट, लेट्स डू दिस इन 3-2-1 गो। Three, two, one, OG!